With Nirmal Love, Jai Shri Mataji to all of you, I welcome you all for visiting my channel Sahaj Yoga Harmonium. Please subscribe this channel and press the bell button so you will get all notifications of Harmonium tutorial videos. Please share this video in all your Sahaj Yoga WhatsApp groups so those people can get this channel who wants to learn Harmonium on Sahaj Yoga Bhajans. Jai Shri Mataji, in this video we are going to learn harmonium on three Maha Mantra and Shri Ganesh Mantra. इस वीडियो में हम तीन महामंत्र पर और श्री गणेश मंत्र पर हारमोनियम सीखने वाले हैं. If you wants to learn basics of harmonium, link is given in description for harmonium tutorial videos. Or you can join online class by register yourself on sahajyogaharmonium.blogspot.com. अगर आप हारमोनियम का बेसिक सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बेसिक वीडियोस के लिए लिंक दिया गया है, या फिर आप ऑनलाइन क्लास के लिए sahajyogaharmonium.blogspot.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. सहज योगा हारमोनियम नोटेशन बुक इज अवेलेबल, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन फॉर ऑर्डर ऑनलाइन. इफ़ यू हैव नोटेशंस इन फ्रंट ऑफ यू एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस देन यू कैन इजीली लर्न हारमोनियम. सहज योगा हारमोनियम स्वरलिपि पुस्तिका उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है. जब आप अभ्यास करें तो स्वरलिपि पुस्तिका में उस भजन की स्वरलिपि निकालें और वीडियो में देखकर साथ में अभ्यास करें. इससे आपको जल्दी और आसानी से हारमोनियम बजाना आ जाएगा. इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी विच इज़ द करेक्ट स्केल फॉर सिंग महामंत्र. आफ्टर दैट विच टाइप ऑफ कोड विल बी यूज्ड इन महामंत्र एंड विच केज विल बी यूज फॉर प्ले महामंत्र. इस वीडियो में सबसे पहले हमें देखना है कि महामंत्र के लिए सही स्केल क्या है. फिर हमें देखना है कि कौन से कोड का प्रयोग महामंत्र में किया जाएगा और कौन से स्वरों का प्रयोग महामंत्र को बजाने के लिए किया जाएगा. द स्केल्स फॉर सिंग महामंत्र is C sharp and D sharp. It depends on you from which scale you want to sing Mahamantra. We will discuss about both scales
in this video. In Mahamantra, major chord will be used. This is the major chord of C sharp. In major chord, Sa, Shuddha Ga and Pa. These three swaras played at same time, so it give music of major chord. This is D sharp major. Sa, Shuddha Ga and Pa. Mahamantra is in Rag Jai Jai Vanti. Mahamantra ko gaane ke liye C sharp, ya fir D sharp. इन स्केल का प्रयोग किया जाता है. यह आपकी मर्जी है कि आप सी शार्प स्केल से महामंत्र गाएं या फिर डी शार्प स्केल से. महामंत्र राग जय जय वंती में गाए जाते हैं. महामंत्र में मेजर कॉर्ड का प्रयोग किया जाता है. यह सी शार्प का मेजर कॉर्ड है. मेजर कॉर्ड में सा, शुद्ध गा और पा तीनों स्वरों को एक साथ जब हम बजाते हैं तो यह मेजर कॉर्ड बन जाता है. यदि हम डी शार्प स्केल से महामंत्र गाएंगे तो यह डी शार्प का मेजर कॉर्ड है. सा, शुद्ध गा और पा वैसे तो महामंत्र में कोमल गा और शुद्ध गा दोनों स्वरों का प्रयोग किया जाता है. कोमलनी और शुद्धनी दोनों स्वरों का प्रयोग किया जाता है. मगर महामंत्र शुरू करने से पहले हम मेजर कॉर्ड का प्रयोग करेंगे ना कि माइनर कॉर्ड का. आइए अब हम देखते हैं कि कौन से स्वरों का प्रयोग महामंत्र को बजाने के लिए किया जाएगा. नाउ लेट अस सी विच केज विल बी यूज्ड फॉर प्ले महामंत्र. इन दिस वीडियो we will learn mahamantra from C sharp scale. इस वीडियो में हम C sharp scale से महामंत्र पर हारमोनियम सीखने वाले हैं. Our scale is C sharp. It means this is Sa. If this is Sa, then the position of other swaras, which is Re Ga Ma Pa Dha Ni, is depend on the position of Sa. So here our scale is C sharp. It means C sharp is Sa. So I am going to play Sargam from C sharp, so you can easily understand the position of all swaras.
सारे गामा पाधा ने सा ने धा पा मा This is sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa. Sa, ni, dha, pa, ma, ga, re, sa. इस वीडियो में हम शी शार्प स्केल से महामंत्र पर हारमोनियम सीखने वाले हैं। शी शार्प स्केल से हम महामंत्र गाएंगे, इसका मतलब है कि शी शार्प को हमने सा मान लेना है। यदि ये सा है तो जो अन्य स्वर हैं रे गा मा पा धा नी, उनकी स्थिति क्या होगी ये निर्भर करता है कि हम किस स्केल से किसी भजन को या किसी भी सरगम को गा रहे हैं। यहाँ पर हम महामंत्र सी शार्प स्केल से गाएंगे। तो अभी मैं एक सरगम सारे गामा पाधा निशा प्ले करता हूँ ताकि आप सी शार्प स्केल से सभी स्वरों की जो स्थिति है उसको समझ सकें। सा रे गा मा पा यह सा है, रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। यह मध्यम सप्तक का सा है। सा रे गा मा पा धा ने, सा से नी तक जो स्वर हैं सारे गा मा पा धा ने वो मध्यम सप्तक में यहाँ पर सरगम हमने बजाई। नी के बाद ये जो सा है ये तार सप्तक का सा है। इसके बाद फिर सा रे गा मा पा धा नी सा, तार सप्तक। सा से पहले जो स्वर होते हैं वो मंद्र सप्तक में होते हैं। सा ये मध्य सप्तक का सा है, नी ये मंद्र सप्तक का शुद्ध नी है, नी धा पा मा गा रे सा। महामंत्र में मंद्र सप्तक में पा धा कोमल नी और शुद्ध ने,
पा धा कोमल ने और शुद्ध ने। मंद्र सप्तक में इन स्वरों का प्रयोग किया जाएगा। मध्यम सप्तक में सा रे कोमल गा शुद्ध गा मा पा धा कोमल ने शुद्ध ने। मध्य सप्तक में एक बार फिर से मैं स्वरों को बताता हूँ। सा रे कोमल गा शुद्ध गा मा पा धा कोमल ने शुद्ध ने। इसके बाद तार सप्तक में सा और रे। तार सप्तक में सा और रे। इन सभी स्वरों का प्रयोग महामंत्र को बजाने के लिए किया जाएगा। दिस इज सा ऑफ मध्यम सप्तक। केस बिटवीन सा एंड शुद्ध ने आर इन मध्यम सप्तक। आफ्टर शुद्ध ने दिस इज सा ऑफ तार सप्तक। रे गा मा पा धा ने सा ऑफ तार सप्तक। केस बिफोर मध्यम सप्तक आर इन मंद्र सप्तक। सो दिस इज सा ऑफ मध्यम सप्तक। देन केस बिफोर दिस सा आर इन मंद्र सप्तक। दिस इज शुद्ध नि ऑफ मंद्र सप्तक। धा पा मा गा रे सा। सो इन महामंत्र इन मंद्र सप्तक पा धा कोमल ने एंड शुद्ध ने। पा धा कोमल ने एंड शुद्ध ने। दिस स्वर विल बी यूज्ड फ्रॉम मंद्र सप्तक इन मध्यम सप्तक सा रे कोमल गा शुद्ध गा मा पा धा कोमल ने शुद्ध ने। अगेन सा रे कोमल गा शुद्ध गा मा पा धा कोमल ने एंड शुद्ध ने। दीज स्वराज फ्रॉम मध्यम सप्तक विल बी यूज्ड फॉर प्ले हारमोनियम ऑन महामंत्र। इन तार सप्तक सा एंड रे। दिस इज ने ऑफ मध्यम सप्तक शुद्ध ने ऑफ मध्यम सप्तक। आफ्टर दिस के तार सप्तक इज स्टार्ट फ्रॉम सा। सो दिस इज सा ऑफ तार सप्तक एंड दिस इज रे ऑफ तार सप्तक। सो इन तार सप्तक सा एंड रे विल बी यूज्ड फॉर प्ले महामंत्र। सो नाउ आई एम गोइंग टू सिंग महामंत्र। After that, I will tell you according to the notations of each Mahamantra. Abhi main Mahamantra par harmonium bajane ja raha hoon. Uske baad
हम महामंत्र पर स्वर लिपि के माध्यम से हारमोनियम सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट लर्निंग फर्स्ट महामंत्र। सबसे पहले हम प्रथम महामंत्र पर सीखते हैं। बिफोर सिंगिंग प्ले द कॉर्ड विच इज यूज्ड इन दिस is major chord and our scale is C sharp, so here we should play C sharp major chord and try to match our voice with harmonium. Ah.
सा लाइक दिस वी कैन मैच अवर वॉइस विद हारमोनियम. महामंत्र पर गाने से पहले मेजर कॉर्ड बजाएं और अपनी आवाज को हारमोनियम से मिलाने का प्रयत्न करें. इस प्रकार से हम अपनी आवाज को हारमोनियम से मिला सकते हैं ताकि हम सुर में ही रहें. ओम के उच्चारण में जितना लंबा हमारा श्वास हम गा सकते हैं आसानी से, उतना लंबा हमको गाना है. ज़्यादा देर तक भी नहीं गाना, कलेक्टिविटी में, सबके साथ में. ओम के समय पर सा और पा दोनों स्वरों को एक साथ बजाएं. ये एक तरीके से तानपुरे का भी कार्य करता है. ओ गा गा
मगपमगरे महाकाले गगपमगरे त्रिगुणात्मिका रे रे गा रे गा त्रिगुणात्मिका रे रे गा रे गा कुंडल ने साक्षात कुंडल ने साक्षात। यहां पर हमको पा बजा कर रखना है, पा को ही हम यहां पर बजाएंगे। सात मात्राएं यहां पर ली गई हैं, इसलिए स्वर लिपि में सात बार पा लिखा हुआ है। कुंडल ने साक्षात कुंडल ने साक्षात श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति स्वर लिपि में पा पा धा म ग पा पा धा प म ग पा पा धा प म ग श्री आदिशक्ति। दोनों प्रकार से हम यहां पर बजा सकते हैं। माता जे माता ga ma ga pa ma ga re re ma ta ji sa re sa ne। स्वरांजलि बुक में लिखा नहीं हुआ है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। यदि आप प्रयोग करना चाहें तो यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। माता जी
रे सारे साने रे सारे साने। एक बार इसको सुनिए कि इसका प्रयोग कहां पर किया गया है। माता जे श्री निर्मला, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। इस लाइन से पहले यहाँ पर इस प्रकार हम यूज कर सकते हैं इसको। यहां पर कॉर्ड है जे शार्प मेजर का, सा गा पा। श्री स्वर लिपि के माध्यम से ने सा 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 श्री निर्मला ने सा 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 श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। यहाँ पर देव्यै में आलाप लिया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद स्वर लिपि के माध्यम से हम सीखते हैं। पहले शुद्ध नि का प्रयोग किया गया है, उसके बाद कोमल नि का प्रयोग भी इस आलाप में किया गया है। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ने सा 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 नि रे सा नि धा गा रे सा रे सा सा सा। ने सा 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 ने रे सा ने धा सा ने रे सा ने धा सा ने रे सा ने धा। स्वर लिपि में यहाँ पर देखिए कि सा ने के नीचे कोष्ठक लगा हुआ है,
रेसा के नीचे कोष्ठक लगा हुआ है और नी के नीचे अंडरलाइन है और निधा इसमें कोष्ठक लगा हुआ है। नी के नीचे इसमें आड़ी रेखा है, अंडरलाइन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोमल नी का प्रयोग किया गया है। और दो दो करके स्वरों में जो कोष्ठक लगाया हुआ है इसका मतलब है कि ये एक मात्रा में गाए गए हैं। सानी एक मात्रा में है, रेसा एक मात्रा में है और निधा कोमल निधा एक मात्रा में है। ने सा 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 ने रे सा ने धा गा रे सा 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 ने सा 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 ने रे सा ने धा गा रे सा 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 श्री निर्मला देव्यै नमो नमः श्री निर्मला देव्यै नमो ने सा 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 ने रे सा ने धा गा रे सा 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 ने सा 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 ने रे सा ने धा सा ने रे सा ने धा सा ने रे सा ने धा सा ने रे सा ने धा। सानी में शुद्ध नी है, फिर रेसा और फिर निधा। निधा में यहाँ पर कोमल नी का प्रयोग किया गया है। ने सा 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 ने रे सा ने धा गा रे सा रे सा 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 गा रे सा 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 यहाँ पर कोमल गा का प्रयोग किया गया है। गा रे सा 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 ने सा 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 ने रे सा ने धा गा रे सा 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 अब हम बढ़ते हैं दूसरे महामंत्र की तरफ। नाउ वी विल कंटिन्यू लर्निंग ऑन सेकेंड महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् साक्षात्
श्री कल के साक्षात्, श्री कल के साक्षात्, श्री कल के साक्षात्। श्री कल के साक्षात्, रे 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 गा रे गा, रे 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 गा रे गा, श्री कल के साक्षात्, श्री कल के साक्षात्, श्री आदि शक्ति, पापा धमगा, श्री आदि शक्ति, श्री आदि शक्ति, श्री आदि शक्ति। यहाँ पर चेंज क्या है? श्री आदि शक्ति पा पा धा पा मा गा, पा पाधा पमागा, श्री आदि शक्ति पाधा पमागा, पाधा पमागा, माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, गा मा गा पा मा गा रे रे, 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 माता जी।
रे सा रे सा ने, रे सा रे सा ने। यहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा स्वर लिपि के माध्यम से हम नि सा 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 श्री निर्मला देवी नमो नमः ये वाला आलाप जो है वो शुरू करेंगे। माता जे श्री अब हम तीसरे महामंत्र की तरफ बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू लर्निंग हारमोनियम ऑन थर्ड महामंत्र। त्वमेव साक्षात् ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात्, श्री कल्कि साक्षात्, रे 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 गा रे गा, श्री कल्कि साक्षात्, श्री सहस्रार, श्री सहस्रार,
श्री सहस्रार गा गा म पा नि नि गा गा म पा नि नि गा गा म पा नि नि श्री सहस्रार स्वामिने 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 ने साने ने स्वामिने स्वामिने मोक्ष प्रदायने यहाँ पर भी दोनों ने का प्रयोग किया गया है, कोमल ने और शुद्ध ने। सबसे पहले शुद्ध ने का प्रयोग किया गया है, उसके बाद कोमल ने का प्रयोग किया गया है। मोक्ष प्रदायने माताजे पहले हम मोक्ष प्रदायने का जो आलाप है उसको एक बार फिर से देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोक्ष प्रदायने ने 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 सारे इस प्रकार से हम यहाँ पर सा का प्रयोग भी कर सकते हैं। स्वरलिपि में जो लिखा हुआ है वो इस प्रकार से है, ने 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 सारे ने धा पा सारे ने धा पा। माताजे इस आलाप को हमको बहुत ध्यान से समझना है। किसी भी स्वर को छोड़ना नहीं है और कोई भी अन्य स्वर इसमें बढ़ाना भी नहीं है।
जिस प्रकार से स्वर लिपि में लिखा हुआ है, इसी प्रकार से हमको ये आलाप जो माताजी का उच्चारण करने में लिया गया है, इसी प्रकार से हमको ये गाना है। एक बार देख लीजिए, उसके बाद स्वर लिपि के माध्यम से बताया जाएगा। पारे रे प मा ध प नि ध प ध म ग रे आराम से अब मैं इसको कम गति में बजाऊंगा। पारे रे प मा ध प नि ध प ध म ग रे। यहाँ पर कोमल नि का प्रयोग किया गया है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। नि के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, इसका मतलब कि यहाँ पर कोमल नि का प्रयोग किया गया है। पारे रे प मा ध प नि ध प ध म ग रे। पारे रे प मा ध प नि ध प ध म ग रे। मा ता पारे रे प मा ध प नि ध प ध म ग रे। पारे रे प मा ध प नि ध प ध म ग रे। इस प्रकार से भी हम बजा सकते हैं। माताजे पारे रे प मा ध प नि ध प ध म ग। यहाँ पर जो रे पा मा धा पा कोमल नि धा पा धा मा गा रे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रे पा के नीचे कोष्ठक लगा हुआ है, मा धा के नीचे कोष्ठक लगा हुआ है, पा नि के नीचे आड़ी रेखा है, इसका मतलब कि यहाँ पर कोमल नि का प्रयोग किया गया है, और उसके नीचे फिर कोष्ठक लगा हुआ है, धा उसके बाद पाधा, पाधा के नीचे कोष्ठक लगा हुआ है, मा
गारे गारे के नीचे कोष्ठक लगा हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर भी कोष्ठक लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये एक मात्रा में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मात्रा में गाया जाएगा। यानी कि रे पा को जब हम गाएंगे तो रे पा दोनों स्वरों को हम गा रहे हैं, लेकिन काउंट सिर्फ एक मात्रा की जाएगी। मा ता जे श्रे निर्मला दे व्यय नमो नमा ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। डी शार्प स्केल से भी आप महामंत्र बजाकर देखें, स्वर लिपि यही रहेगी। जब हम डी शार्प स्केल से बजाएंगे तो हम डी शार्प मेजर का कोड लगाएंगे। डी शार्प की सरगम है जो वो इस प्रकार से है। स्वर लिपि यही रहेगी। अब जो मुख्य बिंदु कुछ हैं, महामंत्र जब हम आरती के बाद गाते हैं तो उस स्केल पर आपको महामंत्र गाने हैं जिस स्केल से आपने आरती गाई है। यदि शीशार्प स्केल से आरती गाई है तो महामंत्र भी शीशार्प स्केल से गाएंगे, डी शार्प स्केल से नहीं गाएंगे। एक बार फिर से सुनिए, आरती यदि सी शार्प स्केल से गाई है तो महामंत्र भी सी शार्प स्केल से ही गाएंगे, डी शार्प स्केल से नहीं गाएंगे। लेकिन जब हम आरती डी शार्प स्केल से गा रहे हैं, आरती के बाद महामंत्र गाएंगे, उसमें यदि हम अपने अभ्यास में इस स्वर तक गा पा रहे हैं तब तो हम डी शार्प स्केल से महामंत्र गा सकते हैं, अन्यथा हमको महामंत्र सी शार्प स्केल से ही गाना है। एक बार फिर से समझिए इस बात को कि जो तीसरा महामंत्र है उसमें यहाँ तक का जो ये स्वर है तार सप्तक का शुद्ध गा, हिंदी में हम कह सकते हैं, लेकिन जब डी शार्प स्केल से इसको गाएंगे तो ये तार सप्तक का रे बन जाएगा। ये सा है तो ये तार सप्तक का सा और उसके बाद ये रे, जैसे हमने अभी सी शार्प में नी सा रे नी धा पा इसका प्रयोग किया था, इसी प्रकार से इस स्वर तक का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा यदि आप डी शार्प स्केल से महामंत्र को गाएंगे। तो डी शार्प स्केल से महामंत्र तभी लें जब आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास हो कि आप इतना ऊंचा बिना किसी रुकावट के गा सकते हैं, अन्यथा आरती आप डी शार्प स्केल से ही लीजिए, उसके बाद महामंत्र को आप सी शार्प स्केल से स्टार्ट कीजिए। लेकिन आरती सी शार्प से ले रहे हैं और महामंत्र को डी शार्प से स्टार्ट कर रहे हैं, ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि बहुत अजीब सा सुनने को मिलेगा कि हम
आरती तो नीचे स्केल से गा चुके, उसके बाद अचानक से हम ऊंचे स्केल से महामंत्र गाने लगे। ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ऊंचे स्केल पर आरती यानी कि डी शार्प स्केल पर आरती गाने के बाद सी शार्प से हम महामंत्र ले सकते हैं। जैसे माँ सबको दुआ देना, यहाँ पर आरती खत्म हो गई। इसके बाद आप सी शार्प मेजर का कोड लगाएं और महामंत्र स्टार्ट करें, या फिर आप डी शार्प से भी गा सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आप इस स्वर तक आसानी से गा सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपकी आवाज़ में खिंचाव आ जाए, आवाज़ फट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो सुनने में बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से कहें तो भद्दा लगता है, गलत लगता है। सी शार्प से हमने स्वरलिपि के माध्यम से हारमोनियम सीख लिया है, अब डी शार्प पर हम खुद अभ्यास करेंगे ताकि ये हमको अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से हम इस पर अभ्यास करें तो ये हम फिर डी शार्प स्केल पर भी इसको आसानी से बजा पाएंगे। जो स्वरलिपि स्वरांजलि बुक में है, या आपके पास स्वरांजलि बुक नहीं है तो आप सहज योगा हारमोनियम .blogspot.com पर जाकर के भी स्वरलिपि महामंत्र की देख सकते हैं। जो स्वरलिपि हम सी शार्प स्केल से गा रहे थे, जिस स्वरलिपि पर, सेम वही स्वरलिपि डी शार्प स्केल पर भी प्रयोग की जाएगी। स्वरलिपि में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं गणेश मंत्र की तरफ। श्री गणेश मंत्र महामंत्र के बाद श्री गणेश मंत्र लिया जाता है। आरती के बाद जब हम तीसरा महामंत्र गा लेते हैं तब गणेश मंत्र नहीं लिया जाता। तीन बार श्री निर्मला देव्यै नमो नमः इस प्रकार से बजाया जाता है। एक बार वो देख लीजिए, उसके बाद हम श्री गणेश मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। श्री के बाद जयकारा बोलो श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। यहां पर भी हम सी शार्प का मेजर कोड है उसका प्रयोग करेंगे। अब हम श्री गणेश मंत्र पर देखते हैं कि किस प्रकार से हारमोनियम बजाया जाएगा। श्री गणेश मंत्र, हम श्री गणेश मंत्र को दो प्रकार से गाते हैं। पहला तो राग जय जयवंती में, मैं एक बार श्री गणेश मंत्र ले रहा हूँ। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री
गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री ये हमने राग जय जयवंती में गाया। अब इसकी जो स्वर लिपि है, जो हमारा दूसरा महामंत्र है, वो ही स्वर लिपि इस मंत्र पर सेम टू सेम बजाया जाएगा। दूसरे महामंत्र में श्री कल्कि साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री कल्कि साक्षात की जगह पर यहाँ पर श्री गणेश साक्षात, सिर्फ एक शब्द का अंतर है, कल्कि की जगह गणेश। बाकी जो स्वरलिपि है और जो लय है वो ज्यों की त्यों है, सेम टू सेम है। अब श्री गणेश मंत्र को गाने का दूसरा तरीका, ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। यहाँ पर हमने सिर्फ सा और पा दोनों स्वरों को एक साथ बजाना है। हम ऐसे भी बजा सकते हैं, इसमें तार सप्तक के सा का भी प्रयोग होगा, और जहाँ तक हमारा हाथ फैल जाए, तीन से ज़्यादा तक तो नहीं मुझे लगता हम बजा पाएंगे, वरना जैसे कपलर रहता है तो आप यहाँ पे देखिए हारमोनियम में कपलर होता है, तो हम यहाँ पे ये सा मध्य सप्तक का सा बजा रहे हैं और ये मध्य सप्तक का पा बजा रहे हैं, तो यहाँ पर मंद्र सप्तक का जो पा है ये अपने आप कुछ परसेंट बजता है। इस प्रकार से हम महामंत्र और श्री गणेश मंत्र पर हारमोनियम बजा सकते हैं। अब इसी वीडियो में मैं एक मुख्य बिंदु और जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाया जा सकता। जब हवन में 108 नाम लिए जाते हैं या फिर पूजा में जब 108 नाम लिए जाते हैं, तब सिंपल जैसे अभी हमने दूसरे तरीके से श्री गणेश मंत्र लिया है, इस प्रकार से गाए जाते हैं, राग जय जयवंती में नहीं गाए जाते। तब भी जब हम मंत्र लें तो जैसे मान लीजिए प्रथम मंत्र है श्री माता जी, ओम त्वमेव साक्षात् श्री माता जी नमो नमः। श्री महाराग्ये, ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाराग्ये नमः।
ये C शार्प स्केल। अब यदि हमको ये लग रहा है कि थोड़ा हम डीप में जा रहे हैं तो हम डी शार्प स्केल से गा सकते हैं। सा और पा सिर्फ ये दोनों स्वर बजाने हैं, तो डी शार्प स्केल से ये सा हो गया और ये पा। अब अंतर सुनिएगा आप आवाज़ में, पहले वाली आवाज़ में और अब वाली आवाज़ में। श्री माता जी, ओम त्वमेव साक्षात् श्री माता जी नमो नमः। श्री महारागे, ओम त्वमेव साक्षात् श्री महारागे नमो नमः। इस प्रकार से हम मंत्रों पर हारमोनियम बजा सकते हैं। जय श्री माता जी। फॉर नोटेशंस ऑफ दिस भजन यू कैन गो टू sahajyogaharmonium.blogspot.com और लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। इफ यू गेट दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर सहज योगा व्हाट्सएप ग्रुप्स सो दोज पीपल कैन गेट दिस चैनल Who wants to learn harmonium on Sahaj Yoga Bhajans? The motive behind create this channel is to spread harmonium knowledge so those Sahaj Yogis brothers and sisters can learn harmonium who wants to play Sahaj Yoga Bhajans on harmonium in their meditation centers. All notations will be available on sahajyogaharmonium.blogspot.com. Please share, like and subscribe with Nirmal Love, Jai Shri Mataji to all of you.